अब मुंबई की तस्वीर। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में एक जर्जर, जानलेवा और खतरनाक इमारत है, जिसे पार करते हुए जो स्कूली बच्चे हैं उसे रस्सी की सहायता से पार करने को वो मजबूर है। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, ये जो स्कूल है जो जर्जर अवस्था में है, इतनी खतरनाक अवस्था में है, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? क्या हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बाद हादसे हो रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं, दीवारें गिर रही हैं और लोग मर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, लगातार मुंबई में देखिए काली घटा छाई हुई है और तेज बारिश हो रही है। और मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग में हूँ जहाँ पर जो है कल जो बच्चे हैं वो रस्सी के सहारे जो है यहाँ पर रास्ता पार कर रहे थे। मैं आपको वही रास्ते पर चल के आपको दिखाता हूँ कितना मुश्किल है उस रास्ते पर चलना। ये देखिए, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, ये वो रस्सी है, ये रस्सी है और इसके सहारे मैं यहाँ पे चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए इस तरफ जो है कोई भी यहाँ पे छत नहीं है, मतलब पूरा टूट चुका है। और ये टूटने की वजह से आप देखिए, मैं जो बच्चे जा रहे थे वो बच्चे देखिए इस तरफ जा रहे थे, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और यहाँ पे इतना डर लगता है क्योंकि ये किसी भी वक्त गिर सकता है और किसी भी वक्त गिरने की वजह से जो है यहाँ पे हादसा हो सकता है। और ये सिर्फ यही रास्ता नहीं, पूरे इमारत की हालत ऐसी है। और यहाँ पे देखिए, मैं कहूंगा थोड़ा कैमरामैन से आगे आए और तस्वीरें आपको दिखाएं। ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, दूसरी तरफ जो है ये जो ये बनाया गया है, ये देखिए ये स्थिति है, यहाँ पे देखिए ऐसे टूट रहा है, ये देखिए अगर हाथ लगाएंगे तो ऐसे टूट जा रहा है। और ये स्थिति है, पूरा जर्जर इमारत है, ये देखिए पूरा जर्जर इमारत है। और इसी तरह की स्थिति जो है, मैं कहूंगा थोड़ा आगे चलो, जो लोग इस पर रह रहे हैं उसको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तस्वीरें हैं, ये जो घर है जिस घर में लोग रह रहे हैं, मैं उस घर के अंदर भी जाने की कोशिश करता हूं, आपको दिखा देता हूं घर के अंदर की स्थिति क्या है। यहां पे इस इमारत की, ये मिल वर्करों की इमारत थी, 1965 में जो है मिल के मजदूरों को किराए पर दी गई थी, 2000 में मिल बंद हो गई तो इसका मेंटेनेंस भी बंद हो गया, कोई ध्यान नहीं देता। और ये देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठे हुए पति पत्नी रहते हैं। और दूसरी तरफ देखिए जो इमारत का छज्जा है, जो छत है, वो जो गिरता है उसके चलते कई बार दुर्घटनाएं सामने आती हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है। उसे रोकने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक के का जो कवर है वो लगा दिया गया है। ये देखिए, यानी जो छज्जा गिरे इसके ऊपर ही गिरे, नीचे ना गिरे, घर की स्थिति ये है। और यहाँ पे देखिए घर के लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर बताइए, डर नहीं लगता? क्या वजह है आपके यहाँ रहने की? नहीं, डर तो लगता है, वजह ऐसा है कि हम लोग बाहर अगर जाएंगे रहने को तो डिपॉजिट देना पड़ता है और किराया भी देना पड़ता है, वो इतना है कि हम वो दे नहीं पाए सकते। बोला तो 1,00,000 रुपया डिपॉजिट मांगता है, फिर भाड़ा 25,000, 30,000, 20,000 ऐसा कुछ रहता है, तो हम इतना नहीं दे पाएगा। आप रहती हैं घर में, आपको डर नहीं लगता? डर तो बहुत लगता है, बारिश रहेगा तो बहुत डर लगता है, बारिश नहीं रहेगा तो थोड़ा मन को शांति रहता है, रात दिन बारिश चालू रहेगा तो नींद भी नहीं लगता है, एक जगह पे बैठ के अपना। सरकार से कुछ वगैरह बातचीत हुई आप लोगों की, या फिर क्यों आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? अभी ये तो मामला हमारा कोर्ट में है, उधर कुछ हो रहा है, वो कोई बता देगा तो सुन लेते हैं हम लोग, सुन के खाली मन को शांति करके लेते हैं, लेकिन किस लिए देर हो रहा है वो पता नहीं है। खुदा ना खास्ता कभी हादसा हो गया कोई, फिर दिक्कत नहीं? क्या जो नसीब में है वो हो जाएगा, अपने नसीब में जो है तो हो जाएगा, फिर क्या करना, उसको इलाज तो नहीं है। परेशानी होती है, कोर्ट में मैटर है, लेकिन कुछ जानकारी दी जाती है सरकार की तरफ से, कोई बातचीत है बीएमसी की तरफ से? कोई बातचीत बीएमसी तो कितने आके गए, बीएमसी आके गए बहुत बार, और उन लोग ने तो पानी लाइट कट किया था, मगर कोर्ट मैटर है इसके लिए वो वापस चालू कर दिया। कोर्ट ने अगर उनको बोला कि कोर्ट में है इन लोग का पानी नहीं कट सकता, वो कर दिया। तो ये स्थिति है अर्पिता, देखिए लोग कितनी परेशानी में रह रहे हैं, जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, ताकि तंगी चलते मुंबई में घर अफोर्ड करना काफी मुश्किल होता है। सरकार जब कोई बिल्डिंग गिरती है, बीएमसी को जब बिल्डिंग गिरती है तो कहती है कि दोबारा ये घटना नहीं होगी, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, सिर्फ ये पहली बिल्डिंग नहीं है, तमाम मुंबई में ऐसी बिल्डिंगे हैं जहां पे इस तरह की स्थिति है, लेकिन सरकार को ध्यान तब जाता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं। और इसी तरह की स्थिति है, इस फ्लोर पर मैं आपको थोड़ा और दिखाना चाहूंगा बाहर की तरफ जाके, कि जो लोग हैं और लोग भी रहते थे, लेकिन
इधर उधर रह के अपने दिन और रात जो है वो काट रहे हैं। मैं कहूंगा दरवाजे बंद हैं इस फ्लोर पर। आगे की तरफ अगर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे, आगे की तरफ अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे देखिए दिवाकर जो स्थितियां हैं वो बखूबी समझी जा सकती हैं कि क्या स्थितियां हैं। लोग रहने को मजबूर हैं, लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या हम किसी हादसे के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो और फिर दलील दी जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका।